हाँ जी बाबा है ये जो राम रावण बनता और कृष्ण कंस बनता इसके वास्तविक पार्ट जैसे राम ने रावण का पार्ट बजा लिया, कृष्ण ने कंस का पार्ट बजा लिया, इसके बाद से कौन से पार्ट अदा करेंगे? इसके बाद हाँ कृष्ण एंड होने के बाद से, अरे कलयुग के बाद कौन सा युग का पार्ट आता है? पहले सतो प्रधान, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान, हर एक आत्मा ऐसा ही तो पार्ट बजाती है। सतो प्रधान है तो राम का पार्ट, तमो प्रधान है तो रावण का पार्ट। बाबा तो इसका एक तो टाइम तो होगा, क्यों नहीं टाइम होगा? सबसे ज्यादा लंबी आयु कौन से वंश वालों की होती है? सूर्यवंश और चंद्रवंश वालों की सबसे ज्यादा लंबी आयु होती है। लेकिन सूर्यवंशी और चंद्रवंशी साथ साथ पुरुषार्थ करते हैं कि अलग अलग पुरुषार्थ कर लेते हैं? राम वाली आत्मा कृष्ण वाली आत्मा को साथ लेकर के पुरुषार्थ करती है या पुरुषार्थ करके पहले आगे चली जाती है? साथ साथ पुरुषार्थ करती है। तो जो भी षष्ठी रूपी रंगमंच है उसमें जिस धर्म की आत्मा सबसे पहले आई है वो सबसे पहले सतो प्रधान पार्ट बजाती, चाहे राम का पार्ट बजाएं और चाहे कृष्ण का पार्ट बजाएं, और सबसे लास्ट में वो तमो प्रधान पार्ट बजाती। सबसे लंबी आयु किसकी हुई? उन्हीं आत्माओं की सबसे लंबी आयु है। तो जो तामसी पार्ट चलेगा वो कब चलेगा? दूसरी आत्माओं के मुकाबले पहले चलेगा या लास्ट में चलेगा? पहले चलेगा, पहले। देवता धर्म की आत्माएं जो है वो ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है या दूसरे धर्म की आत्माएं ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है? देवता धर्म की ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगती है। सुख भोगती है माने सात्विक रहती है और लास्ट में जाकर के तामसी बनती है। तो उन आत्माओं में सबसे अग्रणी तो है राम कृष्ण की आत्मा, इसलिए एकदम लास्ट में जब सब अपना अपना तमो प्रधानता का करिश्मा दिखा लेते हैं कि कौन कितना तामसी बन सकता है, तब लास्ट में ये बाप और बाप का बच्चा अपना करिश्मा दिखाता है। जी बाबा 36-37 के आसपास जब लास्ट होगा तभी 36-37 के अंदर होगा। विनाश काय से होता है? इम्प्योरिटी से होता है विनाश। जो जितना ज्यादा पवित्र बनता है उतना ही ज्यादा अपवित्र भी बनता है। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम नहीं इतने तमो प्रधान बन पाओगे न दुनिया का विनाश हो पाएगा, ऐसे ही रखड़ते रहोगे और दुनिया को रखड़ाते रहोगे। हम ये काम पूरा कर देते हैं जल्दी से। बाबा ये पार्ट जो राम और रावण का जो है उस 36-37 के राम रावण का पार्ट नहीं, जैसे राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है, पार्ट में तो 5000 वर्ष के अंदर की बात है। राम से रावण बनता है 36-37 के आसपास एक पार्ट है जी। और लोहा ही तो लोहे को काटेगा, विष ही विष को मारेगा। सारी दुनिया तमो प्रधान बनती है, उसे तमो प्रधान दुनिया को खलास करने के लिए फिर कौन चाहिए? बाबा ये जो अतीत दुनिया सुख का जो अनुभव होगा वो तमो प्रधान के बाद से होगा, तमो प्रधान के पहले होगा? बाप विदेशी बन करके आए हुए हैं या विदेशी हैं? तो फिर कर्नाटक जोन हुआ ना, उनका हेड बताया कर्नाटक जोन वालों को ईश्वरीय सेवा में बहुत फर्स्ट क्लास टीचर मिले हुए नाटक करने वाले।
तो रामकृष्ण की आत्मा है तो एक तरह से नाटकबाज है, इसलिए बोला बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। और तो बाबा ये क्लियर तो नहीं हुआ, क्यों जो अति इंद्रियों जो सुख होगा वो कब निकल, अतीत इंद्रियों जो अतीत इंद्रियां हैं ऐसी स्टेज में होंगे तब अतीन्द्रिय सुख होगा, या इंद्रियों के भान में होंगे तब अतीन्द्रिय सुख होगा। इंद्रियां भले हों लेकिन इंद्रियों से अतीत स्टेज हो जाए तब अतीन्द्रिय सुख होगा। हाँ जी, ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं। अभी प्रैक्टिस बताई हुई है, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। और बाबा भी बोले कि जो नौधा भक्ति करता उसी को सकता बताया कि जितनी श्रेष्ठ भक्त आत्मा होती है उसको साक्षात्कार होता है। भक्त आत्मा ज्ञानी तो आत्मा को साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। तो बेसिक वाले कौन सी स्टेज पे है, भक्त की स्टेज पे है या ज्ञानी की स्टेज पर है? भक्त की स्टेज पर है। बनेगा बाबा है फाउंडेशन भी बाप ने डाला, काय का फाउंडेशन आप विदेशी बना तो बच्चे भी विदेशी बने। सब बच्चे कैसे विदेशी बन जाएंगे? बाप तो विदेशियों को पढ़ाने के लिए विदेशी बनता है और सब बच्चों से मिलने के लिए विदेशी बनता है। बच्चों को सबसे मिलना जरूरी है क्या? और बाबा नौधा भक्ति किसे कहते हैं? जो नौ धर्म होती है तो अपने अपने तरीके से याद में बैठती है। उनका साकार सैम्बुल अलग अलग प्रकार का होता है या एक ही प्रकार का होता है? तो नौ धर्म है तो उनके साकार सैम्बुल कितने हो गए? नौ प्रकार के हो गए। उनके नौ प्रकार का ज्ञान हो गया, ऐसे ही नौ प्रकार की भक्ति होती है। भक्ति में होता है नाम और ज्ञान में होता है काम। यहाँ याद करते हैं और वहाँ नाम जाप करते हैं। बाबा जो सहनशीलता का गुण और सामना करने का गुण है तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों में भेद कौन सा होता है? सूर्य और सागर सूर्य में शक्ति है, कैसे भी कचड़े को कैसी भी दुर्गंध को भस्म करने की, और सागर भी लहरों से मुकाबला करता है, सामना करता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि सिर्फ सामना ही करता है, अपने अंदर समा भी लेता है। मैंने सहन करने की भी शक्ति है और समाने की भी शक्ति है। वो तो सूर्यवंशी हुए क्योंकि उनके उस वंश के द्वारा फाउंडेशन पड़ेगा, नई दुनिया बनेगी। बाद में फिर सहयोगी के रूप में ऐड होते हैं चंद्रवंशी, वो सहन करने वाले ठंडे हैं। और बाबा जी को बोला जी शक्तियाँ ही विनाश करने के निमित्त बनती हैं। जी है? तो कब विनाश करने के निमित्त बनती है? जब तामसी बनती हैं तब। नहीं बाबा, तो एक तामसी विनाश करना होता है कि जैसे ब्राह्मण परिवार का विनाश करना, एक होता है दुनिया का विनाश करना। पहले किसका विनाश होगा? पहले ब्राह्मण परिवार का विनाश होगा। फिर सूक्ष्म में हो जाएगा तो स्थूल में तो अपने आप होता रहेगा।
बाबा तो संघर्षित रूप में विनाश हो जाएगा, ब्राह्मण तपस्या कैसे करेंगे? माउंट आबू विनाश होगा तो अपवित्र का विनाश होगा या पवित्र का विनाश होगा? चाहे बेसिक की दुनिया हो, चाहे एडवांस की दुनिया हो, और चाहे बाहर की दुनिया हो, जो अपवित्र वाइब्रेशन बनाने वाली आत्माएं हैं उनका ही विनाश होना है। निमित्त बनाया हुआ है शक्तियों को, शिव न्यूट्रल रहता है, नहीं तो शिव बाबा के ऊपर दोष आ जावे। बाबा एक वर्तमान में बाबा ने बोला है कि साधनों के आधार पर जो प्रसाद किया जाता है, साधनों के आधार पर जो प्रसाद किया जाता है, जी वो प्रसाद इतना नहीं है जिस दिन की मतलब बिना साधन के किया जाता है। ठीक है, अभी जैसी शक्ति होगी वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे। शक्ति निराधार बनने की है, मना शरीर के जो तंत्र हैं, इंद्रियां हैं, उनके बगैर पुरुषार्थ करने की आदत पड़ी हुई है। ये साधन है ना, हाथ पांव नाक कान, इंद्रियां भी तो साधन है। इनके बगैर हम वातावरण बनाना ये सेवा कर सकते हैं? दुनिया को चेंज करना है, चेंज तो करना है, लेकिन क्या आत्मिक शक्ति हमने इतनी जागृत कर ली कि कर्मेंद्रियों की हलन चलन भी न करना पड़े, दृष्टि से देखने की भी दरकार नहीं है स्थूल दृष्टि से, और वाचा से वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है, और फिर भी हम वातावरण को चेंज कर दें? खूंखार जानवर हमारे सामने आए और सरेंडर कर दे, खूंखार आदमी हमें मारने के लिए आए और चेंज हो जाए, इतने निराधार बने हैं। अगर बने हैं तो भले साधनों को छोड़ दे, अगर नहीं बने हैं और पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही साधन मिलते हैं कि बिना पूर्व जन्म के प्रारब्ध के साधन मिल जाते हैं? पूर्व जन्म ने कोई किसी ने अच्छा पुरुषार्थ किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में साधन आराम से मिल जाते हैं। तो उन साधनों का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना है, अगर स्वतः ही मिल रहे हैं तो करना चाहिए, बाकी अधीन होने की दरकार नहीं है। पूरा जन्म इससे पहले का जन्म है, वाइब्रेशन है ये चारों ओर फैलता है, जितनी ताकत होगी उतना दूर तक फैलेगा। और जो सात व्यक्ति है दृष्टि जैसे हमारी जाती है, यदि किसी को याद करते हैं दिशा कोई है, पूर्व दिशा में ही जाएगी क्या? जिस दिशा में डालेंगे उस दिशा में जाएगी। बाबा जी साधन अभी साइंस ने निकाले हैं, या जो टेलीविजन है या जो टेप रिकॉर्ड है या जो कुछ चीजें हैं उसकी भी बात है। हाँ, जो भी साधन है और जो जिन जिन को जो साधन मिल रहे हैं वो अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के आधार पर मिल रहे हैं या बिना हिसाब किताब के मिल रहे हैं? अच्छे कर्म किए हैं तो साधन भी खूब मुहैया है उनको, और कोई ना ऐसे कर्म किए हैं कि कोई साधन उनको मिलता ही नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग जिनके पास हवाई जहाज हैं, हेलीकॉप्टर है। तो जिसके पास जो साधन है मुहैया उसको ईश्वरीय सेवा में लगाएगा तो भाग्य बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। दादी का नामकरण बाबा ने किया है।
शुरुआत में ढेर सारे नाम बांटे गए थे, साक्षात्कार से ढेर सारे संदेशियों ने नाम लाए, बाद में वो ज्ञान में से टूटते गए, तो नाम लेना बंद कर दिए। माउंट आबू से ज्ञान आया ऐसे बोला है, घर है माउंट आबू क्लियर नहीं बोला, घर है माउंट आबू टीचर घर छोड़कर तुमको पढ़ाने आते हैं। हाँ जी, कहाँ है घर? एक एक बात उठाओ ना, तो सारी मुरली एक साथ पढ़ दोगे तो कैसे क्लियर होगा? तो क्लियर करना क्या चाहते? बाबा घर कहाँ है? घर तो वही है जहाँ से हम आए हैं, वहीं वापस जाए उसी को कहेंगे घर। जो जहाँ से आता है वही वापस जाता है, तो समझ लो वो ही घर है। गीता ज्ञान कहाँ से आया? गीता ज्ञान तो गीता माता से ही आता है, दाता है भगवान। और बाबा माउंट आबू जैसे सारे ब्राह्मण इकट्ठे होकर जैसे संगठित रूप से तपस्या करेंगे, वहाँ बाप भी होगा, सारे लोग ब्राह्मण परिवार होंगे, तो वहाँ कौन सा अपवित्रता की बात है जिससे विनाश होगा सृष्टि का? वहाँ अपवित्रता की बात होगी तो वहाँ विनाश होगा, जहाँ अपवित्रता होगी वहाँ विनाश होगा, या जहाँ पवित्रता का वाइब्रेशन फैलेगा वहाँ विनाश होगा? जहाँ पवित्रता का वाइब्रेशन फैलेगा वहाँ विनाश नहीं होगा। फिर यहाँ अपवित्रता का, ये तो आपने उल्टी बात कह दी कि माउंट आबू में कौन सा पवित्रता होगा, वो कौन सी अपवित्रता है जो विनाश होगा दुनिया का विनाश? हाँ तो माउंट आबू में थोड़ा ही है वो वाइब्रेशन, तो बाबा तो तामसी समय में माउंट आबू भी तामसी बन जाता है जब बाबा दूर हो जाता है साकार में। बाबा में 36 जब बाबा जब सरकार में लेकर जाता है दोबारा, तब ब्राह्मणों को राम बाप जो साथ लेकर जाता उसको है लेकर के जाता है, तब ब्राह्मणों को तपस्या कराने के लिए। ब्राह्मण कितने होंगे? 4.5 लाख होंगे। 4.5 लाख इकट्ठा ही ले जाएगा? नहीं, पहले सूर्यवंशियों को ले जाएगा, फिर चंद्रवंशी, फिर सूर्यवंशी भी कितने होंगे? 50,000। अच्छा, तो जो होंगे वो नंबर वार होंगे सब एक जैसे होंगे? नंबर वार होंगे। उनमें कोई लीडर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। और कोई प्रजा वाले होंगे पीछे पीछे चलने वाले? ठीक है। तो किनको ले जाएगा पहले? पहले जो लीडर होंगे, लीडर होंगे उनको ही ले जाएगा। तब तो एक साथ जा भी नहीं सके। तो बाबा साथ में कहते हैं एक ही गाड़ी चलेगी। अरे जब सिंध हैदराबाद में बाकी से आते हुए जब सिंध हैदराबाद से छोड़ करके कराची गए थे, इकट्ठे हो गए थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ, तो हर जगह से एक ही गाड़ी चली थी जो सब सेफ हो गई थी उस गाड़ी में, और बाद में जो गाड़ियां चली वो सेफ नहीं रही, काट डाली गई। जहाँ से भी जो गाड़ी चली वो एक ही गाड़ी तो चली ना, पहली गाड़ी में जिनको जाना था वो चले गए बच गए, बाद वाली गाड़ी में जो चले या दूसरी तीसरी गाड़ी में जो चले काटे मारे गए। नहीं, आप कहते हो ना भी सभी एक साथ कैसे जाएंगे, नंबर बार जाएंगे। हाँ, तो फिर गाड़ी तो में जाएंगे नंबर बार जाएंगे कि एक के बाद वो इकट्ठी चली जाएगी? उनको तो बाबा गाड़ी की जरूरत ही नहीं है। उनको तो गाड़ी की जरूरत, पुरसात की गाड़ी नहीं है? यहाँ भी पुरसात की, यहाँ भी स्कूल गाड़ी होगी, जिनके संकल्प सीखे होंगे उनकी बुद्धि में झट टच हो जाएगा। चलो दौड़ो।
अरे जो एक गाड़ी चलेगी लास्ट में वो स्कूल एक गाड़ी क्या कोई एक स्थान है वो स्कूल गाड़ी की बात है जो या दूसरी मतलब एक गाड़ी कोई एक स्थान की बात है अलग अलग स्थानों से एक जगह पर गाड़ी जाएंगी तो एक गाड़ी होगी कि अनेक प्रकार अनेक गाड़ियाँ होंगी तो स्कूल गाड़ी की तो बात है ना अरे स्थूल भी होगी तो सूक्ष्म भी होगी सूक्ष्म है संकल्पों की ट्रेन और संकल्पों की ट्रेन जितनी ही अभिविचारी होगी उतना जल्दी चेकिंग होगी तो 50,000 जो सूर्यवंशी है वो तो पहली ट्रेन में चले जाएंगे बाकी फिर उनमें प्रजावर्गीय नहीं है बाकी धर्मों वाले किस गाड़ी से जाएंगे उसमें प्रजावर्गीय नहीं है उसमें फर्स्ट क्लास प्रजा सेकंड क्लास प्रजा थर्ड क्लास प्रजा है या नहीं है 50,000 ही तो जाएंगे ना टोटल तो उसमें 50,000 जो उसमें प्रजावर्ग ज्यादा है कि लीडर ज्यादा है प्रजावर्ग ज्यादा है फिर वो कैसे पहले चले जाएंगे साल में एक बार होती है इसकी हाँ जी और सरस्वती की पुतली पूजा होती है सरस्वती की जगदम्बा की पूजा होती रहती है हाँ सरस्वती की पूजा होती रहती है लेकिन लक्ष्मी की पूजा एक ही बार होती है एक ही बार में पूजा होने के बाद काम संपन्न हो जाता है दीपक जल जाते हैं या जो सरस्वती की रोज रोज पूजा होते होती है उससे दीपक जल जाते हैं लक्ष्मी की एक बार एक बार लक्ष्मी की जो पूजा होती है वो लक्ष्मी एक बार में ही ऐसा काम कर देती है जो परिवर्तन हो जाता है जगदम्बा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है और लक्ष्मी से सिर्फ धन की आस पूरी होती है लक्ष्मी भी अपना धन देती है या भगवान बाप का दिया हुआ देती है भगवान बाप का दिया हुआ लेकिन शुद्ध धन देती है अपना मैच्योरिटी किया हुआ नहीं देती कहाँ से आया दो गीताएं हैं है? गीता ज्ञान कहाँ से आया दो गीताएं हैं है? तो कौन सी गीता से ज्ञान सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग और झूठी गीता से 2,500 वर्ष में स्वर्ग से नरक बन जाते हैं अरे नाम क्या है क्या नाम नाम एक है भक्ति मार्ग एक है ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्ग की गीता होगी वो धारणा वाली होगी या बोल बोल वाली होगी और भक्ति मार्ग में बोल बोल ज्यादा होता है कि धारणा ज्यादा होती है दो तरह की देवियाँ होगी ज्ञान की अभी भाषा क्या है ज्ञान की भाषा है सारा आवाज की मुरली में जो बाद में बोला कि चेहरे बदल गए वो कौन से चेहरे जो आत्माएं बेसिक से शरीर छोड़ रही है और बेस मान लो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के बाद एडवांस पार्टी में प्रवेश कर लिया तो चेहरा बदल गया कि रह गया स्थान बदल गया कि रह गया बदल गया वाइब्रेशन बदल गया या रह गया बदल गया सब कुछ बदल गया तो पहले भी एक बार सुना था कि 108 की माला दिखाई थी ना चेहरे दिखाए थे उनके संदेश जी को शायद वो तो संदेश ही को दिखाए वो उसने पहचाना नहीं था कोई भी चेहरा तो अभी भी शायद ऐसा ही तो नहीं कही मतलब पहचाने नहीं उसने इस बार भी जो अज्ञानी है वो क्या पहचानेंगे यहाँ ज्ञानी पहचान पहचान के भूल जाते हैं बाप को भी भूल जाते हैं तो इधर एडवांस पार्टी के भी तो कुछ चेहरे होंगे शायद कुछ चेहरे क्या सारे एडवांस पार्टी के ही थे इसीलिए ने पहचान में हाँ जी इसलिए कैसे पहचान में आएंगे बाबा जैसे इस स्कूल में कहा आगे प्रकाश करने के लिए कि ब्राह्मण आत्मा को यहाँ जन्म लेगी तो वो सूक्ष्म में यहाँ कैसे मतलब सूक्ष्म में क्यों होंगे साकार में होंगे सूक्ष्म में होंगे प्रवेश करने वाले भी सूक्ष्म में और जिनमें प्रवेश करना है वो भी सूक्ष्म में हो जाए तो पार्ट कैसे बजेगा वो तो साकार सचिव पार्ट तो तब बजेगा जब प्रवेश करने वाले सूक्ष्म हो
साकार में इंस्पिरेटिंग पार्टी हो और जिनमें प्रवेश करना है वो प्लानिंग पार्टी हो, साकार में हो। पहले तो बाबा बताया था कृष्ण का फूल जन्म 2018 में होगा। स्कूल जन्म कहाँ था, कौन सी मुरली में बताया है? समझ में आया, तुमने समझ लिया तो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर माया ने आवरण फेर दिया तो उसका कोई क्या करे। जैसे सन 66 में घोषणा की 75 में पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। तो अगर कोई समझ ले कि 500 करोड़ की दुनिया विनाश हो जाएगी तो इसमें बाबा का क्या दोष? हमारी बुद्धि में तो यही समझते थे। तो बुद्धि विकारी है निर्विकारी है? विकारी, वैसा ही वाइब्रेशन पकड़ लेती है। बाबा तो हर बात को भी अधिन बोलते हैं, हम बच्चे नहीं। फिर बाबा ये भी तो कहते हैं जब टाइम आएगा तो बात का अर्थ खुल जाता है। सब बातें अभी बता दे तो आगे चल के क्या बताऊंगा। जो पढ़ाई आगे चल के पढ़ाने की है, एम ए बी ए की पढ़ाई एम ए बी ए में पढ़ाई जाएगी, बाद में पढ़ाई जाएगी या प्राइमरी स्कूल में पढ़ा दी जाएगी? क्यों, यहाँ नौ देवियाँ नहीं है, नौ पटरानियाँ नहीं है? आठ ये पटरानियाँ छोटी बड़ी हैं, ये एक साथ हैं, हर धर्म से कनेक्टेड हैं कि किसी एक ही धर्म से है? हर धर्म से कनेक्टेड है, तो आगे पीछे हुई ना। बाबा जो नौ मिनी मठ बने हैं, नौ नौ काय के लिए, अभी तो 14-15 तक है और जल्दी जल्दी खुलने वाले हैं। पहले पहले नौ बने थे ना, तो पहले पहले क्या एक साथ बन गए थे नौ? ठीक है, वो तो जो पालना है वो पालना की सात्विकता है, सूर्यवंश की पालना, चंद्रवंश की पालना, इस्लामियों की पालना, क्रिश्चियंस की पालना, बौद्धियों की पालना, अंतर तो है ना। हाँ जी, सागर मंथन हो तो 14 रतन निकले थे। हाँ जी, 14 रतन केतन में कैसे है? 14 रतन चैतन्य में कैसे? क्यों, ज्ञान का कलश चैतन्य में नहीं है? बुरी सभा घोड़ा निकला तो घोड़ा चैतन्य में नहीं है? कौन कौन से हैं मतलब बता दो रहे हैं? घोड़ा हाल विष निकला तो चैतन्य में विष हाल निकला नहीं है? ज्ञान कलश से निकला तो चैतन्य में ज्ञान कलश निकला नहीं है? कलश कहो, घड़ा कहो, द्रोण कहो, और जिसका घड़ा सर है ज्ञान कलश तो हो गया, जिसका घड़ा, जिसका घड़ा कोई को खोपड़ी होती है जिसमें विष ही विष भरा रहता है, वाइब्रेशन विष के निकलेंगे, दृष्टि विषैली निकलेगी, वाचा विषैली निकलेगी, तो कैसा घड़ा है? विष का घड़ा है। बाबा सिख धर्म में जो पांचवे गुरु थे ना, उनको 33 तवी पर बिठाया गया, उनको कष्ट मिले उनको जो कष्ट मिले उस वक्त पांचवे गुरु थे ना, उनको अर्जुन देव जी को वो जो कष्ट मिले वो किस आधार पर मिले, जो कौन सी मतलब आत्मा? सबसे ज्यादा कष्ट कौन सा धर्म पिता है जिसको सबसे ज्यादा कष्ट झेलना पड़ा थोड़े ही समय? कौन से नंबर का धर्म पिता है? अच्छा, ऐसा कोई धर्म पिता को हुआ कि हाथों में पाँव में और पेट में कीलियां ठोक दी गई हो? जो प्रवेश करते ही मेरा कल चेयर गिरने में आती है।
तो ऊपर से निराकारी बन करके उतरे ही है ना, ऊपर से जब आए हैं तो निराकारी आए हैं या आकारी आए हैं या साकारी आए हैं? निराकारी आए हैं, तो जैसे आए हैं वैसे ही देखने में आएंगे ना। तो शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो शिव बाबा की प्रवेशता और धर्म पिताओं की प्रवेशता में अंतर नहीं है। वो धर्म पिताएं अपने को प्रत्यक्ष करते हैं तो चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, और शिव बाबा तो गुप्त पार्ट बजाता है या प्रत्यक्ष पार्ट बजाता है? गुप्त पार्ट। वो तो अंत में प्रत्यक्ष होगा बाबा, जिसमें प्रवेश करे उसका पुरुषार्थ जब पूरा हो जाए। बाबा वो जब धर्म पिता किसी में प्रवेश करते हैं तो उसी पर्सन के द्वारा पार्ट बजाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो टाइम टू टाइम कई आत्माओं के द्वारा पार्ट बजाते हैं। ये तुम्हारी भूल है, अगर बहुतों में प्रवेश करता है तो सर्वव्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ? कभी बोलते हो एक व्यापी है, कभी बोलते हो सर्वव्यापी है। नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब क्या दूसरे तरह से है क्या? किसी को सकाश देने के लिए चला तो जाता है, वो पता चलता है, कोई कह सकता है कि किसमें आया, कोई प्रूफ मिलता है? तो प्रवेशता का न पता चले, सकाश का तो पता चलता है। कोई प्रूफ मिलता है? हाँ, एक हाँ, अगर प्रूफ मिल जाएगा तो सब कोई कहेगा मेरे में प्रवेश हुआ। नहीं, प्रूफ का मतलब जो बुद्धि में नहीं था वो आ गया। ऐसे तो बहुतों की बुद्धि में आ जाती है नई नई बात। बाबा वैसे तो पांच आत्मा प्रवेश टेम्परेरी तो करते हैं। नहीं, मुख वर्मा को जिस प्रवेश करते हैं जो है वो बाप के रूप में सिर्फ एक ही रूप में आता है, बाप के रूप में। टीचर के रूप में सिर्फ एक में ही आता है, सदगुरु के रूप में सिर्फ एक में ही आता है। अगर अनेकों में प्रवेश करने लगे फिर तो सर्वव्यापी हो गया कि एक व्यापी हुआ? रूप से एक ही में है। हाँ जी, कोई कह नहीं सकता कि मेरे अंदर शिव बाबा है। लेकिन इस तरह के धर्म पिताओं में जो ऊपर चाहते नहीं करते, वो एक में ही प्रवेश करके दुर्गति हो जाती है, तो अनेकों में प्रवेश करके प्रत्यक्ष होने की क्या बात है? अष्टभेद हैं, अपने दुख को कंट्रोल करते हैं अपनी मन बुद्धि के द्वारा। अपने ग्रुप को कंट्रोल करते हैं अष्टभेद, जैसे जो नौ रत्न है ना, रत्न अलग है, उनको कंट्रोल करते हैं ना। रत्न अलग है और देव अलग है, अष्टभेद कंट्रोल करते हैं। रत्न अलग अलग धर्मों के मुखिया है और देव सूर्यवंश के हैं। देव होने का आ जाता है जो 84 जन्म लेते हो, जिन्होंने 84 जन्म ही नहीं लिए उन्हें देव कहा जाएगा? रत्नों की क्वालिटी और कीमत अलग अलग होती है, और हीरे की कीमत सबसे ऊपर होती है। अष्टदेव सब हीरा है, हीरो पार्टधारी है। कोई भी धर्म में लास्ट जन्म में जाके गिरेंगे वहां भी हीरो पार्ट बजाएंगे। जो अच्छे प्रसाद के बच्चे होंगे बाबा, वो सब प्रकार के अनुभव होते जाएंगे, हम क्या बनने वाले हैं, कब नाश होगा, उनको सब अनुभव होते जाएंगे। ये पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, जिन्होंने पुरुषार्थ ही किया है, देह अर्थ नहीं किया है, स्वार्थ स्वार्थ के लिए नहीं किया है, उनको अनुभव होगा। और जिन्होंने सब कुछ पुरुषार्थी जीवन तो दिखाने के लिए रखा, लेकिन किया तन के पोषण के लिए, तन के संबंधियों के पोषण के लिए, समय अर्पण किया तन के लिए, तो उनको कैसे अनुभव होगा? जो तन के लिए किया या संबंधियों के लिए किया वो तो सब प्रसाद ना होगा। हाँ, वो आत्मा के लिए थोड़ा ही हुआ, शरीर के लिए हुआ, देह के लिए हुआ, देह के संबंधियों के लिए हुआ। अनुभव भी तो ऐसा ही करेंगे जैसा किया 63 जन्म जो अनुभव करते आए देह, और वो ही संगम युग में अनुभव किया तो क्या विशेष किया? 63 जन्म में तो स्वर्ग बनाने वाला, परिस्थिति धारण करने वाला सदा सेवा आया हुआ नहीं था, अभी तो आया हुआ है।
पढ़ाई पढ़ा रहा है कि कैसे स्वस्थिति से स्वर्ग का अनुभव करें, यही इस दुनिया में, इस नरक की दुनिया में आके स्वर्ग का वर्षा देता है। वंडरफुल बात, रहे नरक की दुनिया में और अनुभव क्या करें, स्वर्ग का अनुभव करें। तो निराकारी स्टेज में जाने के लिए कम से कम कितना पुशअप चाहिए, कितने घंटे का रोजगार टाइम की लिमिट बांध देंगे तो घंटा हो जाएगा तो बड़ी तो लिमिट बांधने से ही घंटा हो जाएगा या कुछ और भी करना पड़ेगा? जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। कम से कम मेरा कुछ नहीं सब तेरा, तो क्या रह जाएगी बिंदी? निराकारी बनने का मूल मंत्र क्या हुआ? सब कुछ तेरा, सिर्फ कहने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल में खुद भी देखें, दूसरे भी देखें, अनुभव करें कि इसने अपने लिए कुछ भी नहीं परवाह की। निराकारी बनेगा। कुछ ज्ञान में कुछ देर चलते हैं, साल दो साल चार साल, तो बाद में छोड़ देते हैं, तो वो क्या वो बाप आएंगे या उनका क्या है? ज्ञान में चलते हैं, पवित्रता की जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो पढ़ते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो प्रजा वर्ग में चले जाते हैं। तो बाद में फिर वो आएंगे जब कहाँ जाएंगे? हस्ती तो एक ही है सच्चाई की, सत्यखंड में जाना सबको है नंबर वार, तो एक से ही सच्चाई मिलेगी, दूसरे से कहाँ से मिलेगी? एक ही ठिकाना है सत्य धाम, एक ही है या अनेक है? एक ही है सत्य धाम। गायत्री व्रत जो है इसका शीर्षक तो माताओं कन्याओं के नाम से है, जो गायत्री मंत्र है शीर्षक तो कन्याओं माताओं के नाम से है, गायत्री गंगा यमुना और सरस्वती त्रिवेणी के नाम से, लेकिन संबोधन जो है ये त्रिदेव को है। जैसे तीन देव हैं तो उनके साथ तीन देवियां नहीं है, और तीन देव अकेले कुछ कर पाएंगे बिना देवियों के? तीन देवताएं जो हैं वो देवियों को साथ न लेंगे तो स्वर्ग में का काम पूरा कर स्वर्ग स्थापन होगा है? जो श्लोक दिया हुआ ना उसमें तो देवियों के नाम तो है ना, ओम कहा गया है ना। हाँ काम पूरा किसने किया, देवताओं ने काम पूरा किया या देवियों ने पूरा किया है? अरे श्लोक में वो तो बोलने की बात है, लेकिन जब करने की बात आई तो करने का काम प्योरिटी करेगी या देवता का, वो जो देवता है पुरुष रूप में है वो करेंगे? पुरुष तो सारे ही दुर्योधन तो शासन बता दिए, तो देवता बन ही नहीं पाएंगे, इसलिए तीन देवियों का नाम पहले रख दिया, गायत्री जिन तीन का गायन है वो। बाबा धाम जाते हैं लोग है? बाबा धाम जाते हैं लोग हज में भक्त लोग है? तो बाबा धाम से कांवड़ का क्या कनेक्शन है? बाबा धाम से कांवड़ 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 लेकर जाते हैं, जो कांवड़ लेके कावड़ लेके गंगा जल लेकर आते हैं ना जी, उससे गंगा जल लेके आते हैं, कावड़ लेके आते हैं, इतना मटका शिवरात्रि को फिर उस पर चढ़ाती है। वो तो श्रवण की कहानी है, उस कहानी से जोड़ा हुआ है, जो कांवड़ लेके जाते हैं उनमें आगे माता को और पीछे पिता को
बैठाया हुआ है, एक जगह से भरा ज्ञान जल उनकी बुद्धि में और दूसरी जगह चढ़ाया, नदियों से भरते हैं और देवालय में जाके चढ़ाते हैं। चलाते हैं देव को, देव महादेव तो पहले ही है, क्या चढ़ा रहे हैं शंकर जी का तो चलाते हैं क्या मिलता है, वही तो बनाया हुआ बाबा। ज्ञान जल तो एक बाप से लेते हैं, तो फिर जैसे नदी से लिया फिर बाप कर चढ़ाया, ऐसे तो मजे नहीं आता। जो बाप आकर के बाप के रूप में ज्ञान जल देते हैं, उससे जो माला पहले पहले बनती है उस माला का नाम क्या है? अरे बाप जिस मणकों जिन मणकों को आके ज्ञान देते हैं उन मणकों की माला का संगठन का नाम क्या है? रुद्रमाला। वो रुद्रमाला कुछ कर पाती है? कुछ खर तेल निकलता है? खर तेल तो कुछ नहीं निकलता, वो खर तेल निकलेगा ही तब जब कन्या माताओं को आगे रखेंगे। न बेसिक नॉलेज में इस बात का कोई ध्यान देता और न एडवांस नॉलेज में कोई ध्यान देता। बेसिक नॉलेज में भी भाई लोग गुरु बन करके बैठ गए और एडवांस में भी भाई लोग गुरु बन करके बैठ जाते, कन्या माताओं को पीछे छोड़ देते, काम कुछ होने वाला नहीं है। काम कब होता है? जब कन्या माताएं नदियां निकलती है तब काम संपन्न होता है। इसलिए बोला कन्या माताओं के मुख से ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, कन्या माताओं को ही देना चाहिए। तो नदियां गाई हुई है कांवड़ भरने के लिए, नदियों में से भरो फिर देवता के ऊपर चढ़ाओ, महिमा करो। बाबा जो शिवलिंग में मंदिर में बना होता है उसमें मटका लटका रहता है, एक एक बूंद पानी गिरते रहता है, इसका क्या है? लिंग है किसकी निशानी है? जिस तन में प्रवेश किया है उसकी निशानी है, और प्रवेश जिसने किया है उसकी निशानी है बिंदु। लिंग में बिंदु ने प्रवेश किया, अब गर्मी किसको चढ़ेगी? साकार को गर्मी चढ़ेगी या निराकार को गर्मी चढ़ेगी? साकार को गर्मी चढ़ेगी। तो जिसको गर्मी चढ़ती है उसको फिर ठंडे ठंडे जल की ज्ञान जल की बूंदों की जरूरत है या नहीं है? है? और वो जल भी जो भगवान की महिमा का जल है, वो जल भी किसके द्वारा पड़ना चाहिए? घड़े के द्वारा दिखाया, कलश दिखाते हैं। जो कलश है वो कौन है? कलश जल का भरा हुआ कलश अर्पण किया गया, हाँ जी, तो अर्पण करते हैं शिव के ऊपर, माताओं को एक दो अर्पण नहीं करते हैं, ढेर सारे अर्पण रोज लोटी चढ़ाते हैं, चाहे लोटी का हो चाहे गगरी का हो चाहे कलश का हो, बात एक ही है। चल
क्षेत्र में प्रवेश होकर के पाठ बजाती बुद्धरूपी पेट है ना, तो बुद्धरूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाती है तो बच्चे भी निराकारी साक्षात बनेंगे बाप के, या बाप पहले से तो पता बन जाएंगे। बाप बच्चों को साथ लेकर चलते हैं या बाप पहले पहले चला जाता है? ये दुनिया आग की दुनिया होने वाली है, काम क्रोध की आग जल रही है, माया ने आग लगा दी। तो कोई बाप ऐसा होगा कि बच्चों को छोड़ करके पहले भाग जाए कर्मधाम में अपने घर, दूसरे घर में? बाप का विरुद्ध है। कैसे? निराकारी बाप का विरुद्ध है। साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ जावेंगे। तो बुद्धियों की बात हुई, बुद्धिमान की बुद्धि, बाप की बात हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सा बाप है? साकार या निराकार? निराकार। वो साथ लेकर के जाएगा। तो जो साकार मनुष्य शक्ति का पाप है और साकार मनुष्य शक्ति में जो पहला प्रिंस है, आत्मा को साथ रखेगा या पहले खुद चला जाएगा? साथ लेकर तो पाप की बुद्धि सात्विक बनती है, तो साकार मतलब बच्चे की बुद्धि भी सात्विक बनती है। अगर छोटे बच्चे की बुद्धि सात्विक न बने बुद्धरूपी पेट में, तो स्थूल पेट से उसका जन्म कैसे होगा? होगा नहीं होगा?
बजा रहा नारे में कंगन की कृष्ण के जन्म की बात है, प्रकृति कृष्ण की बात नहीं है। राम सेतु नहीं दिखाई पड़ता है, पत्थर बुद्धि मनुष्यों को ज्ञान जल में तैराए के और रावण की दुनिया तक पहुंचाया जाता है। रावण की दुनिया से कनेक्शन जुड़ा हुआ है कि नहीं है एडवांस पार्टी के पत्थरों का? जुड़ा हुआ है तो सारा ज्ञान वहां तक पहुंच रहा है। और बनाया किस लिए जाता है? कनेक्शन जोड़ने के लिए बनाया जाता है ना। तो ज्ञान का एडवांस ज्ञान का सारा कनेक्शन राम संप्रदाय से रावण संप्रदाय तक तक जुड़ा हुआ है। जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है वो रावण संप्रदाय की ओर है या राम संप्रदाय की ओर है? वो तो सेठ को पसंद करेगी या नहीं करेगी? रावण संप्रदाय वाले प्रैक्टिकल में अभी क्या कर रहे हैं? कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं एडवांस पार्टी वालों से या नहीं जोड़ना चाहते? उधर जाओ इधर नहीं जाओ, इधर आओ तो उधर नहीं जाओ। तो वो राम सेतु को पसंद करेंगे नहीं करेंगे? भक्ति मार्ग में भी कोई पाठ चल रहा है और ज्ञान मार्ग में भी कोई पाठ चल रहा है। गवर्नमेंट नहीं चाहती क्या ये राम सेतु का चक्कर चलता रहे? और जो जनता पार्टी है वो क्या चाहती है? जनता पार्टी है या अज्ञानता पार्टी है? जनता पार्टी क्या चाहती है? राम सेतु बना रहे, राम सेतु होगा तो रावण राज्य की दुनिया खराब हो जाएगी। राम सेतु ही नहीं होगा तो रावण संप्रदाय वाले कन्वर्ट कैसे होंगे राम संप्रदाय? कृष्ण पहले जन्म का नाम होता है ब्रह्मा। कृष्ण जिसके पहले पूर्व जन्म का नाम होता है ब्रह्म, और वो ब्रह्मा दो हुए, एक हुआ प्रजापिता ब्रह्म और एक हुआ दिव्य ब्रह्म। जो दादा लेखराज ब्रह्मा उसको प्रकृति टोल है अंतिम जन्म में, उसके 100 साल ब्रह्मा के सब पूरे होते हैं। एक ऐसी नहीं, जब 100 साल मृत्यु लोक के ब्रह्मा के पूरे होते हैं तो वो कौन से लोक में जाता है? अमर लोक में जाता है। गर्भ में जाता है या जन्म लेके जाता है? ज्ञान गर्भ में पीपल के पत्ते पर जाता है। वो ज्ञान गर्भ की बात है कि मृत्यु लोक में ब्रह्मा का शरीर छूटा और वो आत्मा अमर लोक में वैकुंठ में जाकर गर्भ में प्रवेश हो गई। पीपल के पत्ते की यादगार है, गर्भ महल की यादगार। आत्म की स्थिति का अंगूठा टूटता हुआ दिखाया जाता है,
विषय सागर कहो या विकारों की जेल कहो, जो देवकी और वसुदेव है जिनके गर्भ में वो बच्चा दिखाया जाता है वो विषय सागर में होते हैं या जीव सागर में होते हैं? विषय सागर में होते हैं, परंतु उस विषय सागर में होते हुए भी वो बच्चा बड़ी बोझ में रहता है, क्योंकि मनन चिंतन मंथन की अमूसा चूसते हुए इस पेज में दिखाया गया। फिर बच्चा प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्षता कब कही जाती है? बच्चा कोई भी होता है जन्म लेने से पहले पेज में गुप्त होता है, गर्भ में बाद में प्रत्यक्ष हो जाता है, मैंने जन्म लेता है, तो ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है जो 98 में कृष्ण और देवकी अर्थात उनको जन्म देने वाले वो जेल के जेल में ही पड़े रहे थे, विकारों की जेल में। और बच्चा कहाँ चला जाता है? गर्भ जेल से बाहर आ गया। इसलिए बाबा ने बताया है कि कृष्ण के माँ बाप का उतना दायित्व नहीं है जितना कृष्ण बच्चे का है, क्योंकि कृष्ण बच्चा है निर्विकारी और माँ बाप है विकारों की जेल में पड़े हुए, तो वो डबल जेल दिखाई है या सिंगल जेल है? है डबल जेल है। और उस जेल में से प्रत्यक्ष होने की जन्म होने की निशानी ये है कि उस दिन 15 अगस्त भी होता है स्वतंत्रता दिवस, बात का दिवस है, विकारों की जेल से स्वतंत्र होने का दिवस। 15 अगस्त का दिन भी होता है और जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। अगर कृष्ण जन्म किया अगर, अब प्रश्न ये होता है कि 98 में कृष्ण का जन्म है या 2018 में? जवाब ये है कि संगम युग में ब्राह्मण होते हैं या देवता होते हैं या क्षत्रिय होते हैं? ब्राह्मण कब संपूर्ण माने जाते हैं? जन्म लेने से ही संपूर्ण हो जाता है ब्राह्मण, कब संपूर्ण होता है? जब यज्ञोपवीत धारण करे तब संपूर्ण ब्राह्मण कहा जाता है। द्विजन्म, एक जन्म तो गर्भ से जन्म लिया और दूसरा जन्म ज्ञान गर्भ में परिपक्व होकर लेने के लिए। 2000 में बाप प्रत्यक्ष तो होते हैं बच्चे के द्वारा, यादगार भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है कि रात्रि में 12 बजे शिव का जन्म भी होता है और कृष्ण का जन्म भी रात्रि के 12 बजे। जैसे शिव जयंती में कृष्ण जन्म और कृष्ण जयंती में शिव जयंती हो जाती है, लेकिन वो जन्म संपूर्ण जन्म नहीं है। दूसरा जन्म जब होता है तो यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। यज्ञोपवीत किस बात की निशानी है? वो 3 सूत्र है त्रिमूर्ति शिव के,
उन तीन ज्ञान के पुष्टों को पूरा पूरा जीवन में धारण कर लेना। कंधे पर धारण किया जाता है ना, कोई वजन उठाते हैं तो कहाँ रखते, कंधे पर रखते। तो तीन मूर्तियों के संपूर्ण ज्ञान का जो वजन है वो उठाया हुआ है, जिम्मेवारी ली हुई है। जब वो जिम्मेवारी लेते हैं तब वो दूसरा जन्म कहा जाता है, और दूसरा जन्म जब होता है ब्राह्मण का तब शादी होती है, या पहले जन्म के बाद शादी कर देते हैं तब बनता है बाद। तो 18 जो है वो संपूर्ण ब्राह्मण है 2018 और 1998 में संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहेंगे, हाँ ये कहेंगे जो अपने कवानी में बोला है उस समय 99-2000 में बाप बच्ची के द्वारा तो प्रत्यक्ष होते ही है, लेकिन बोला है तुम बच्चों के सामने बाप प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के सामने भोजन हो गए, मुक्त हो गए। तो क्या दुनिया के सामने 76 में और उससे पहले मुक्त नहीं थे, फिर 2000 में खास बोलने की क्या जरूरत। इसलिए जरूरत है कि बाप ब्राह्मणों की दुनिया वालों को पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में परिवर्तन कर रहे हैं या बाहर की दुनिया में परिवर्तन कर रहे हैं, ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई बाहरी दुनिया वाले हैं, बाप की दुनिया से उनका कनेक्शन नहीं है, होने के लिए गुप्त हो गए। अब खाने का जो हादसा हुआ, एक बार अगर कोई धोखा खा जाता है वही धोखा अगर बार बार खाता रहे तो ज्ञानी कहेंगे या ज्ञानी कहेंगे, तो ज्ञानी हो गया। अब खाने में तो धोखा भी है, तो गुप्त हो गए, तो होने से क्या फायदा होता है, तो होकर के पांडवों ने पाठ बजाया कि यादगार खास कांपेल नगर में दिखाई जाती है, लंबे समय तक कांपेल नगर में बात किया, तो फायदा क्या होता है, फायदा होता है कोई खून खराबा नहीं होता, नहीं तो खून खराबा हो जाए। इसलिए सांप मरे न दांत ही टूटे, भले अज्ञानी लोग तो फिर भी कहते हैं भगवान है तो भागा भागा क्यों सकता है, भक्ति मार्ग की बुद्धि वालों से पूछा जाए तुम्हारे कृष्ण भगवान कंस के डर से गावड़े गावड़े में भागे भागे क्यों फिरते थे, तुम्हारे राम भगवान रावण के डर से कांटों के जंगलों में क्यों पड़े हुए थे, तुम्हारे शंकर भगवान भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागे भागे क्यों पड़े। भगवान की कोई युक्ति होगी, और धर्म पिताएं आते हैं तो उनके पीछे खून खराबा हो जाता है, कहीं किसी को सूली पर लटकाए देते हैं, कहीं मारपीट हो जाती है, कहीं क्या हो जाता है, लेकिन भगवान आकर के युक्ति से काम निकालते हैं।
कहाँ पैदा होता है? सब पैदा होता है। सारी कथा हो गई, अभी तक यही पता नहीं चला। शरीर से पैदा होने के पीछे पढ़ना है या बुद्धियों से जो पैदाइश होती है उसको जानना है? दोनों जानना है। शरीर से पैदा होगा तो कुछ दिमाग में नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। बाकी बाबा ने बताया है जमुना के कंधे पर मीठी मीठी नदियों के किनारे तुम्हारी लाश आई थी। Yeah, I don't know, maybe, but we have a kid.